बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को पूरे 67 दिन हो चुके हैं। 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत के निधन को। वहीं सुशांत के निधन के बाद लगातार कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। सुशांत अब हमारे बीच नहीं है और इस बीच परिवार की हालत बेहद दर्दनाक है। सुशांत सिंह राजपूत का पूरा परिवार और सुशांत के चाहने वाले लगातार सुशांत केस में न्याय की मांग करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल सुशांत केस की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम जांच के लिए मुंबई भी पहुंच गई है और सुशांत के परिवार के सदस्यों ने अपने दर्द को भी बयां किया है। इसी बीच सामने आया है बेहद इमोशनल कर देने वाला पोस्ट और ये पोस्ट है सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी भांजी कात्यायनी आर्या राजपूत का। कात्यायनी ने अपने मामा को याद करते हुए एक इमोशनल कर देने वाला पोस्ट शेयर किया है जिसे पढ़ने के बाद हर किसी की आंखें नम हो जाने वाली हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुशांत की भांजी कात्यायनी ने बेहद बड़ा पोस्ट लिखा है। इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए ये पोस्ट शेयर करते हुए अपने दर्द को बयां किया है और बेहद खूबसूरत सी तस्वीर को शेयर किया है। इस तस्वीर में सुशांत अपनी भांजी कात्यायनी पर प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके माथे पर किस करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें प्यार से हग कर रहे हैं। और इसी खूबसूरत तस्वीर को शेयर करते हुए कात्यायनी ने लिखा है, गुलशन मामा, मैं आपको यूनिवर्स से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आप मेरे लिए पहले भी सबसे ज्यादा अनमोल थे और आज भी हो। मैं हमेशा सोचती थी कि फ्यूचर में कभी हम आसमान में देखेंगे और वास्तविकता में रहस्यवाद पर चर्चा भी करेंगे। जीवन के बारे में आपकी बातों ने मुझे हमेशा मंत्रमुग्ध किया और मुझे हमेशा बेहतर करने के लिए आपने प्रेरित किया। मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा जब मैं आपकी आवाज़ को कभी नहीं सुन पाऊंगी। आपको दुनिया और मैंने जो समझा, आप उससे जुदा थे। आप अपनी सोच से भी ज़्यादा उम्दा इंसान थे। आप ऊर्जा से भरे एक इंसान थे जिसे दुनिया रोक नहीं सकती थी। इसके आगे कात्यायनी ने लिखा है, आपने एक बार बताया था कि हकीकत में हम कभी नहीं मरते। मैं वाकई में आपका यकीन करना चाहती हूँ, पर हर दिन के साथ बेहद मुश्किल होता जा रहा है। काश मैं पैरेलल यूनिवर्स में जा पाऊँ जहाँ दुनिया थोड़ी बेहतर हो और हम साथ में मुस्कुराएं, तारे देखें और आपके इंटेलेक्चुअल जोक्स पर हम साथ में हंसे भी। मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं आपको अपने घर लाऊंगी, पहाड़ों पर आपकी आंखों में गर्व देखूंगी। मुझे पता है कि किसी दूसरी दुनिया में ऐसा देख पाऊंगी, लेकिन अफसोस कि वह ये दुनिया नहीं है। लेकिन मैं अपने दुख से खुद को प्रभावित नहीं करूंगी, अपने विकास को रुकने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये शर्म की बात होगी। आपका खून मेरी रगों में बहता है और मैं इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। गुलशन मामा, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगी। इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को याद करती हुई नजर आई हैं उनकी भांजी और अपने दर्द को बयां करती हुई देखी गई हैं। कात्यायनी ने आगे लिखा है, मैं आपको हमेशा प्यार करती रहूंगी, गुलशन मामा। सोशल मीडिया पर कात्यायनी का ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है और इसे पढ़ने के बाद हर किसी की आंखें नम हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।